हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो क्या हाल चाल। बढ़िया, सब लोग मस्त। और सभी लोग एक बार जोड़ लो, जो तुम्हारे दोस्त हैं सहेली हैं एक बार सबको बुला दो कि क्लास शुरू हो गई है। देखो आज के इस क्लास में हम लोग, ठीक है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक, ठीक है, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय क्वेश्चन है जो 2010 से लेके 2023 तक हमारे बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, और जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब जो कम से कम 3 से 4 बार 5 बार आए हुए हैं, उन सब क्वेश्चन को देखेंगे और उन सबको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे तुम लोग रेडी हो गए। और ये देखो आज लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, तो सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठना। जो क्वेश्चन हम दिखाएंगे पहले उस क्वेश्चन को तुम खुद से वीडियो को पॉज करना, फिर उसे सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद देखना कि तुम्हारा सॉल्यूशन सही है कि नहीं है ना। उसके बाद अगर सही होगा तो कमेंट बॉक्स में यस कमेंट करना कि हाँ सर सही है, और अगर सही नहीं है तो देखना कि उसका सॉल्यूशन क्या सही सर करवाए हैं, उसको समझ लेना। उसको फिर दोबारा से यही सेम क्वेश्चन को रात में या जब भी तुम्हें एक दिन बाद दो दिन बाद जब भी टाइम मिले उसको करना, और देखना कि बिना देखे करने आ रहा है कि नहीं हूं। ठीक है, और देखो जितने भी स्टूडेंट नए हो, ठीक है, जो अभी भी पढ़ना स्टार्ट किए हो, ठीक है, पीछे का छूट गया है, मतलब पीछे नहीं पढ़े हो, सोच रहे थे बाद में पढ़ेंगे, तो अगर अभी चाहते हो पढ़ना कि चलो अब से हम पढ़ना स्टार्ट कर दें, ठीक है, जो पीछे का छूट गया जाने देते हैं, बस अभी से पढ़ना शुरू करते हैं, तो तुम इस शिखर बैच 2.0 को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, देखो शिखर बैच 2.0 जस्ट अभी लॉन्च हुआ है, न्यू बैच है। देखो इस बैच में तुम्हें चैप्टर फर्स्ट से हर एक सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है, बेसिक से दिया जाएगा। ठीक है, इसमें देखो कोई भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं होगा, हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर वाइज डेली लाइव क्लास होगा। ठीक है, डेली लाइव क्लास होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि कम टाइम है तो सर आप रिकॉर्डेड क्लास देंगे, रिकॉर्डेड क्लास नहीं होगा, हर एक चैप्टर का डेली लाइव क्लास होगा। ठीक है, अभी भी देखो तुम्हारे पास टाइम है, अभी तुम्हारे पास 6 से 7 महीने का टाइम है, आराम से चैप्टर फर्स्ट से चीज़ों को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, समझने के बाद उसका नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, देखो इस बैच में तुम्हें डेली लाइव क्लास के साथ साथ, ठीक है, लाइव डॉट क्लास मिलेगा और क्लास नोट्स का पीडीएफ मिलेगा, जो भी तुम्हारा क्लास नोट्स होगा उसका पीडीएफ दिया जाएगा, जिससे तुम उसे भैया नोट कर सको। ठीक है, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो आगे रिवीजन कैसे करोगे। ठीक, और बिना नोट्स के तो पढ़ाई होती नहीं है। ठीक है, नोट्स तो बनाना है कैसे भी, ऐसा नहीं कि पीडीएफ मिलेगा उससे काम चल जाएगा, खुद से कॉपी खरीदना, फेयर कॉपी, उस पर नोट्स बनाना है। ठीक है, क्योंकि रिवीजन तुमको उसी से करना है ना, और तुम्हें प्रॉपर नोट्स दिया जाएगा कि भैया तुम उसको लिख सको। क्लास खत्म होगी उसके बाद पीडीएफ मिलेगा, उसे डाउनलोड करना, उसे लिखना अच्छे से। ठीक है, एकदम सीक्वेंस में। और उसके बाद देखो ऑनलाइन वीकली टेस्ट होगा, मतलब जो भी तुम एक हफ्ते में पढ़े होगे उसका वीकली टेस्ट होगा। ये जो टेस्ट होगा ये ऑब्जेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा। ठीक है, जब तुम बैच को ज्वाइन करोगे तो पता चलेगा हाँ ऑब्जेक्टिव टेस्ट कैसे देना है और सब्जेक्टिव टेस्ट कैसे देना है। ठीक है, और स्टडी मटेरियल्स मिलेगा, मतलब जो भी सब्जेक्ट होगा हर एक सब्जेक्ट का तुम्हें बुकलेट मिलेगा, जो भी चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा उसका बुकलेट, उसके क्वेश्चन का बुकलेट, ठीक है, पीडीएफ सब कुछ दिया जाएगा, बस तुम्हें डाउनलोड करना, उसे पढ़ना है। अगर बुक है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बुक नहीं तो हर एक चीज दिया जाएगा, बस तुम्हें घर बैठ के पढ़ना है। ठीक है, और देखो जब पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा तो उसके सभी, मतलब हर एक चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर और पिछले 5 साल का जो पेपर होगा उसे सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, जिससे तुम्हें आइडिया लग जाए कि यार पेपर कैसा आता है और हमारी तैयारी कैसी है। ठीक है, और किसी को देखो कुछ भी पूछना होगा तो ये नंबर है 930-577-1375, इस नंबर पर कॉल करके, ठीक है, तुम्हें जो भी पूछना होगा पूछ सकते हो, कॉल करके बात कर सकते हो। क्लियर है ना, बस ये है कि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, और जान लो कम से कम तुम्हें 14-15 घंटे पढ़ना पड़ेगा अब, तब जाके होगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ उसका रिवीजन भी तो करना है। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम उसे 2 से 3 बार नहीं पढ़ोगे ना, तो टाइम देना पड़ेगा ज्यादा। अगर अभी टाइम दे दोगे तो बाद में कम टाइम देना पड़ेगा, अगर अभी टाइम नहीं दोगे तो बाद में तुम्हें टाइम ही नहीं मिलेगा, टाइम कहाँ से दोगे। ठीक है, बस सोचोगे फिर कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते रहें और हम पास हो जाए ना, तो ऐसे मत सोचना, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। ठीक है, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, आराम से पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्लियर है, चलो देखो जैसे ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब करना क्या, सबको क्वेश्चन को पढ़ना है एक बार, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज करना है, पॉज करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखना कि क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो कि नहीं, और इसका स्टेटमेंट अच्छे से लिख पाते हो कि नहीं, बात समझ आ रही कि नहीं। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में देखो स्टेप मार्किंग होती है, ऐसे नहीं कि बस लिख दिए आंसर आ गया नंबर मिल जाएगा, आंसर के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि तुम्हारा जो स्टेप है वो तुम सही से किए कि नहीं, क्योंकि स्टेप मार्किंग भी तो होती है, तो ये तुम्हें देखना पड़ेगा, हर एक लाइन को अच्छे से लिखना पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन सही ढंग से करना पड़ेगा।
समझ में आ रहा है। चलो तो अब इस क्वेश्चन को सभी लोग सॉल्व करो। देखो बोला है कि जांच कीजिए कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n में एक संबंध लिखा r x y का, जहां पे y बराबर x प्लस 5 है, जहां पे लिखा है x लेस देन 4 है, द्वारा परिभाषित संबंध r स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। ठीक है, तो कैसे करोगे? देखो सिंपल से बोलोगे, देखोगे r बराबर, ठीक है, देखो अब r में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे तुम लिखो। हमें देखो x y का पेयर बनाना है। अब x y का पेयर तो बनाना है जिसमें बोला है कि y बराबर x प्लस 5 है, ठीक है, और देखो x का मान कितना लेना है, x मान हमको लेना है 4 से कम। क्या लिखा है? x का मान लेना है 4 से कम, और हमको पता है प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, तो हम x का मान 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 नहीं लेंगे, क्योंकि x का मान 4 से छोटा है। ठीक है, तो अगर हम x का मान 1 लेंगे, सोचो अगर हम x का मान 1 लेंगे तो इसके साथ कौन सा पेयर आएगा? तो यहाँ पर रखो, देखो ये इक्वेशन दिया है ना, जो संबंध दिया है, इस संबंध में x का मान रखे, उसके करस्पॉन्डिंग y का मान क्या होगा पता कर लेंगे। तो x बराबर 1 पे y का मान आएगा 6, ठीक है, और अगर x बराबर 2 रखोगे तो y का मान आएगा 5 2 7, ठीक है, और अगर x का मान 3 रखोगे तो y का मान आएगा 8, ठीक है। ये तुम्हारा संबंध बन गया, ठीक है, देखो ये संबंध बना आर। तो पहला काम तो ये करना है, हमको संबंध आर बनाना है। अब संबंध आर बनाने के बाद क्या करोगे? अब देखोगे, चेक करोगे ये संबंध स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। अब बताओ स्वतुल्य के लिए क्या करते हैं? स्वतुल्य के लिए ये होता है सर कि अगर कोई संबंध, अगर लिखा ऐसे लिखा है, ठीक है, ऐसे आर लिखा है, ये ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है, अगर ये संबंध स्वतुल्य होगा तो सममित स्वतुल्य होने का ये कंडीशन होता है कि उसमें सारे युग्म का सेम टू सेम पेयर होना चाहिए। अब इसमें कहीं सेम टू सेम है नहीं, तो इसमें तुम डायरेक्ट लिख दोगे, चूंकि लिखोगे ऐसे लिखोगे, चूंकि लिखोगे 1,1, 2,2, ठीक है, 3,3, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, कि किसी भी नंबर का जो सेम टू सेम पेयर है वो आर में बिलोंग करता ही नहीं है, इसका मतलब क्या है, आर स्वतुल्य नहीं है। लिखोगे इसलिए आर जो है वो स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि स्वतुल्य के लिए जितने सारे पेयर होने चाहिए सबका सेम टू सेम पेयर होना चाहिए। अब x का मान 4 से छोटा था, ठीक है, x का मान, सॉरी, हमको x का मान 4 से छोटा ही लेना था ना, ठीक है, तो लिख दो भैया यही तक लिखो, इन सबका पेयर मौजूद नहीं है सेम टू सेम, ठीक है, तो ये स्वतुल्य नहीं होगा। सममित होगा कि नहीं? सममित में उसका उल्टा खोजते हैं, बताओ इसका उल्टा मौजूद है, देखो 1,6 तो 6 का उल्टा ही नहीं है, लिख दो बस डायरेक्ट, लिखो सेकंड, लिख लो, लिखो कि 1,6 बिलोंग्स टू आर, परंतु परंतु जो इसका उल्टा है कितना 6,1 लिखोगे डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ऐसे लिख के दिखाएंगे सिंपल सा कि 1,6 बिलोंग्स टू आर, परंतु वह 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बस ये दोगे आता, इसलिए इसलिए आर सममित नहीं है। अब कौन कौन बताएगा ये संबंध संक्रामक है कि नहीं, बताओ ये जो संबंध है ये संक्रामक हुआ कि नहीं, कोई बताएगा? जो ये संबंध है, ये जो संबंध है संक्रामक है कि नहीं है? सतुल नहीं है क्योंकि सेम टू सेम नहीं है, सममित नहीं क्योंकि उल्टा नहीं है, संक्रामक हुआ कि नहीं? संक्रामक के लिए क्या खोजते हैं सर? संक्रामक के लिए कोई पहले खोजते हैं कि ए से बी, बी से सी, पहले कॉमन खोजते हैं ना, ए से बी तो बी से सी, तो इसमें कहीं तुमको दिख रहा है, देखो 1,6 है तो 6 से कहीं खत्म होने वाला ये नहीं है, 2,7 है ये नहीं है, 3,8 है ये नहीं है, मतलब सेम टू सेम है ये नहीं। अब अगर सेम टू सेम नहीं है तो क्या बोलेंगे? संक्रामक नहीं है, बोलो क्या बोलेंगे इसको? बोलेंगे कि ये संक्रामक नहीं है कि बोलेंगे संक्रामक है? जल्दी बताओ क्या बोला जाएगा इसको? ध्यान देना, याद करो, याद करो, बताए थे कि संक्रामक के लिए पहले ए बी और बी सी खोजते हैं, अगर ए बी बी सी मिल जाएगा उसके बाद अगर ए सी नहीं मिलेगा तब बोलते हैं संक्रामक नहीं है। और इसमें जब हमको ए बी बी सी मिला ही नहीं, अगर ए बी और बी सी होता तब ना हम ए सी खोजते हैं, ए बी बी सी, तो देखो इसमें ए बी बी सी है ही नहीं है, ए से बी, बी से सी, मतलब कॉमन टर्म कॉमन वाला ही नहीं है। देखो 1,6 तो 6 से शुरू होने वाला कोई है ही नहीं है, 2,7 तो 7 से शुरू होने वाला कोई है नहीं है, 3,8 तो 8 से शुरू होने वाला कोई है ही नहीं, ठीक है, तो इसमें हमको कॉमन मिला ही नहीं, मतलब ए से बी, बी से सी मिला ही नहीं, तो जब कॉमन मिला ही नहीं तो इसको संक्रामक चेक करने को जरूरत है ही नहीं, मतलब संक्रामक है, बताया था ना कि अगर ए बी बी सी मिलेगा
उसके बाद अगर एसी नहीं मिलता है तब बोलते हैं संक्रामक नहीं है, ठीक है। इसमें तो पेयर ही नहीं बन रहा है, तो पेयर नहीं बन रहा है, मतलब है संक्रामक है, ठीक है। तो इसमें लिख दोगे फटाक से बस बस। इसमें अब देखो अगर ये संक्रामक है इसमें कुछ दिखाना तो है नहीं, बस यहां पे लिख दोगे प्रत्येक, ठीक है। यहां मत लिखो, पीछे लिख लो, ठीक है, पीछे लिख लो इसके, लिख दो सीधे सीधे। क्या लिखोगे कि एक्स कॉमा वाई और वाई कॉमा जेड, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर के लिए, ठीक है। क्यों? देखो एक्स कॉमा वाई और वाई कॉमा जेड ये आर में है ही नहीं, अगर ये आर में है ही नहीं तो बोल लोगे संबंध आर क्या है, संक्रामक है। क्या है जो संबंध आर है? संबंध आर संक्रामक है, ठीक है ना, बता देना। क्योंकि देखो अगर एक्स वाई और वाई जेड उसमें होता, उसके बाद अगर एक्स जेड नहीं होता तब बोलते संक्रामक नहीं है, क्योंकि इसके लिए यहां पे हम बता ही नहीं पाएंगे ना, इसलिए बोलते हैं ना ऐसा क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही होगा। अब तुम लोग की बुक में जब देखोगे ना तो बुक में दिया होगा कि ये संक्रामक भी ऐसा भी दिया होगा, लेकिन तुम लोग संक्रामक मतलब संक्रामक नहीं है, लेकिन तुम लोग लिखना संक्रामक है, ठीक है। क्योंकि जब आगे पढ़ोगे ना, आगे जब तुमको क्वेश्चन मिलेगा ऐसा ना आर का संबंध देकर, तो वहां संक्रामक होगा, तो वहां कंफ्यूज होगा। तो ध्यान देना अगर ए बी बी सी के बाद अगर ए सी नहीं मिलता है तब बोलते संक्रामक नहीं, अदरवाइज बोलेंगे संक्रामक है हमेशा, ठीक है। चलो मिस्टेक मत करना। चलो बताओ इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। अगर मेरा लेक्चर देखोगे चैप्टर फर्स्ट का, देखो चैप्टर फर्स्ट का जो फास्ट ट्रैक रिवीजन है उसको भी देखोगे तो तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, समझे कि नहीं। या वन शॉट जो लेक्चर है मेरा, वन शॉट देखोगे तो भी तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चैप्टर फर्स्ट का वन शॉट जाके स्टार्टिंग का दो तीन घंटा देख दोगे, तुमको पता चल जाएगा संक्रामक संबंध कैसे पहचानते हैं, मतलब तीसरे घंटे में चौथे घंटे में हम बताए होंगे। तो जाके आराम से संक्रामक संबंध को अच्छे से जब तुम समझ लोगे तो इस चीज का तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो चलो ये बताओ, देखो इसमें क्या करोगे, देखो इसका देखो सिंपल सा तरीका है, ये प्रूफ करना जीरो ना, देखो इसको लिखोगे LHS, चलो LHS लिखोगे। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एकदम सिंपल से बेसिक तरीका है, बस देख लो डिफरेंस सेम है कि नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि सर इसमें डिफरेंस सबका सेम है, क्या है, अगर लगता है कि डिफरेंस सेम है तो बस घटा दो। देखो ऐसे सी टू को लिख दो कि सी टू माइनस सी वन, ठीक है, सी टू माइनस सी वन, और सी थ्री को लिख दो सी थ्री माइनस सी टू, बस इतना कर दो। इतना करने के बाद लो देखो, देखो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 15, सॉरी शक्तिमान गलती हो गई, ठीक है, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा 3, घटाना है तो 3 घटा लो, फिर 16 में से वो घटा लो, हो जाएगा 3 3 3, आंसर क्या लिख दोगे, जीरो। अब इसके आगे बस आंसर लिख दोगे जीरो, क्यों लिखोगे जीरो, बोलोगे चूंकि जो सी टू है बराबर सी थ्री का है, आ गया प्रूफ, ठीक है, बस ऐसे ही एकदम सिंपल सा कर लेना है। बताओ इसको, बताओ इसका मुख्य मान निकालना है, बोला है कॉट इनवर्स माइनस में 1/√3 का मुख्य मान क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को पॉज करना फिर आराम सॉल्व करना और देखना कि मेरा आंसर सही है कि नहीं और हम सही किए कि नहीं। चलो देखो कैसे करते हैं, देखो इसका पहला स्टेप होता है, इसको मानते हैं, बोलते हैं माना कॉट इनवर्स माइनस में 1/√3 बराबर कितना, ए या वाई मान लो, वाई मान दे तो वाई मान लेते हैं, वाई उधर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस में, इसको ऐसे कर लो कि या करके उधर जाएगा हो जाएगा कॉट वाई, तो बन जाएगा कॉट वाई बराबर माइनस में 1/√3। एकदम सिंपल तरीका, एकदम बेसिक है, सुना, इस माइनस को छोड़ दोगे, बोलोगे कॉट में कितने अंश का मान, कॉट में कितने अंश का मान 1/√3 होता है, कॉट में कितने अंश का मान 1/√3 होता है। अगर 1/√3 है तो उसका उल्टा कर दो √3, तो टेन में कितने अंश का मान √3 होता है, तो टेन में √3 होता है 60 अंश का, तो ये हो जाएगा 60 अंश का मान, कितना हो जाएगा कॉट पाई बाई 3, बस। अब बताओ कॉट किस में होता है माइनस, जो कॉट है कॉट किस चतुर्थांश में माइनस होता है, बस। और अगर नहीं आया जाए तो सिंपल करना, हमेशा इसको दूसरे में लेके जाएंगे, क्या करेंगे, हमेशा इसको दूसरे में लेके जाएंगे, बस सिंपल है। तो लिख दोगे कॉट, ये हो जाएगा वाई, बस इसको लिख दोगे कितना कॉट
180 माइनस थीटा एकदम सिंपल, दूसरे में चले जाओ, अगर दूसरे में लेके जाओगे बस बन जाएगा कॉट वाई बराबर, ये बन गया कॉट 2π/3। बस यहां से कंपेयर कर लो, लिख दोगे अतः, लिख दोगे अतः अतः कॉट इनवर्स माइनस में 1/√3 ठीक है का मुख्य मान 2π/3 है, बस यही इसका सिंपल स्टेप है, ऐसे ही लिखना है। बताओ सभी लोग कर लोगे ना, देखो जो माइनस आया ना, अरे यार माइनस में कॉट थीटा है, तो कॉट किस चतुर्थांश में होता है माइनस, तो कॉट दूसरे में होता है माइनस, तो लिख देना कॉट पाई माइनस थीटा, क्योंकि कॉट पाई माइनस थीटा वापस से माइनस में कॉट थीटा आ ही जाएगा, बस उसी को सॉल्व करोगे कंपेयर करोगे वाई इक्वल टू मिल जाएगा, तो लिख दोगे वाई इक्वल टू इतना, तो वही तुम्हारा मुख्य मान हो जाएगा 2π/3। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसे करके दिखाओ ठीक है। देखो ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुम्हारे एग्जाम बार बार आए हैं, तो वीडियो को पॉज करना और सॉल्व करना तुरंत ठीक है, ज्यादा घपलेबाजी नहीं, बातचीत नहीं, बस जो क्वेश्चन दिखाया जाए क्वेश्चन को देखो और अपनी कॉपी में सॉल्व करो फिर ठीक है, देखो सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। ये क्वेश्चन लिखा है कि यदि फलन एफ, देखो क्यू से क्यू है, क्यू क्या है रियल नंबर है, बोला 3x-4 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ठीक है मतलब रेशनल नंबर है से परिभाषित है, तो सिद्ध कीजिए कि f एक कैकी तथा छादक फलन है जहां q परिमेय संख्या। अब देखो अगर तुमसे क्वेश्चन ने बोल दिया, सुनो अगर तुमसे क्वेश्चन ने बोल दिया कि ये f एक कैकी तथा छादक, इसको सिद्ध करिए ना, तो इसको फिगर बनाओ मत, इसको चेक भी मत करो कि ये एक कैकी है कि नहीं है, बस सिद्ध करो। तुम बताया था ना कि अगर कोई फलन एक कैकी होता है तो उसको कैसे लिखते हैं, और अगर कोई फलन छादक होता है तो उसको कैसे लिखते हैं, बस एकदम सिंपल सा फंडा है। क्या फंडा है कि हमको देखो पता है, अब इसमें चेक मत करो सर ये एकैकी है कि नहीं, क्योंकि जब ये बोला है कि एकैकी छादक, इसको सिद्ध करिए मतलब ये एकैकी छादक है ठीक है। अब बस तुम इस बात पे फोकस करो कि अगर कोई फलन एकैकी होता है तो उसे कैसे लिखते हैं, और अगर कोई फलन छादक होता है तो उसको कैसे लिखते हैं। अगर किसी को अच्छे से समझना है तो जाके लेक्चर देख सकते हो ठीक है, कि कैसे बताया है कैसे चेक करते हैं। फिलहाल देखो बोलेंगे एकैकी, एकैकी किसी फलन को अगर हमें एकैकी सिद्ध करना है तो उसको कैसे सिद्ध करते हैं। देखो लिखते हैं माना, तो मानते हैं माना दो संख्या, मानते हैं बोलते हैं माना x1, x2 बिलोंग्स टू q ठीक है, ये मान लेते हैं। उसके बाद लिखते हैं तथा जो ये f ऑफ x1 है इक्वल टू f ऑफ x2, ये लिखते हैं। अब यहां पे क्या लिखा है, fx इक्वल टू 3x-4, बस रख दो, बस हमको बस क्या करना होता है, फलन का मान बराबर करके बिंदु का मान बराबर दिखाना होता है, अगर इतना कर दिए तो बराबर हो गया ठीक है। अब क्या बोलोगे कि -4 से -4 कट जाएगा, बचेगा कितना 3x1 बराबर में कितना 3x2, फिर क्या करोगे 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ गया x1 बराबर x2 आ जाएगा, बस यही करना होता है, दो बिंदु मानना पड़ता है, उन दो बिंदुओं पर फलन का मान बराबर करके सॉल्व करते हैं, लास्ट में बिंदु भी बराबर हो जाता है। अगर फलन का मान बराबर और बिंदु बराबर तो बोलते हैं अतः, क्या बोलेंगे अतः, अतः फलन f एक एकी है, बस ऐसे ही सिद्ध करते हैं एकदम, यही एक लाइन मतलब एक लाइन का चार लाइन, यही चार लाइन लिखते बस अब कुछ नहीं ठीक है। अब बताओ अगर इसे सिद्ध करना छादक है तो देखो छादक कैसे सिद्ध करते हैं, देखो जो तुम्हारा लिखा है fx इक्वल टू लिखा है ना 3x-4 लिखा है ना, बस इस fx को मान लो y और यहां पे लिख दो 3x-4 ठीक है, और यहां से पता कर लो भैया कि x बराबर क्या होगा, तो तुमको यहां से मिल जाएगा कि x बराबर हो जाएगा y प्लस 4/3। अब इसको चेक मत करना कि सर ये होगा कि नहीं तो अच्छादक चेक करने का देखो तरीका ये होता है ना कि क्या हम लोग y का यहाँ पे हर एक मान रख सकते हैं, तो अगर तुम मेरा हमसे पढ़ोगे पीछे तो पता होगा कि कैसे अच्छादक चेक करते हैं। अच्छादक चेक करने का तरीका होता है कि जो फलन दिया होता है उस फलन को y में बनाते हैं, और y में बनाने के बाद देखते हैं क्या हम लोग y का हर एक मान रख सकते हैं, और y का हर एक मान रखने पर जो आंसर आता है क्या वो x के मान से बिलोंग करेगा, मतलब वो x का मान हो सकता है कि नहीं हो सकता है ठीक है। तो y का मान देखो क्या है, y का मान जो होता है रियल नंबर होता है, पता है ना ये x से y होता है, मतलब x से y, y का मान क्या है
परिमेय संख्या, तो x का y मतलब परिमेय संख्या है, तो अगर तुम y का मान परिमेय संख्या कुछ भी रखोगे तो जो आंसर आएगा वो परिमेय संख्या आएगा, जैसे बात है। अगर तुम यहाँ के मान, यहाँ जो y है, इस y के मान कुछ भी रखोगे परिमेय संख्या में तो आंसर भी तो परिमेय संख्या आएगी, मतलब x में होगा होगा कन्फर्म है, तो ये अच्छा तक है, तो चेक नहीं करना, हमको पता है अच्छा तक है, तो बस ऐसे सॉल्व करते हैं, लिखते हैं, बस लिख देंगे, अब लिख देंगे प्रत्येक, बस लिख देंगे ऐसे कि प्रत्येक प्रत्येक y belongs to q के लिए, बस हमको पता है कि अच्छादक है, तो लिखेंगे कैसे, लिखेंगे प्रत्येक y belongs to q के लिए प्रांत q में एक एक ऐसे अवयव x बराबर y प्लस में 4 बटे में 3 का अस्तित्व है, जहां 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 क्या क्या लिखेंगे, जहां f of x, ठीक है, और x का मान क्या हो जाएगा y प्लस 4 बटे में कितना 3। अब बस जो फलन था ना, जो फलन था जहां पे x है वहां पे y का मान रख दो, मतलब x का मान रख दो, x का मान कितना है लिख दोगे 3, x का मान कितना है y प्लस 4 बटे में 3 माइनस 4, बस यही कर दोगे, और इसको जब सॉल्व करोगे, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, आएगा y प्लस 4 माइनस 4 बराबर 4, लिख दोगे अतः अतः f आच्छादक है, यही करना है, ऐसे ही सिंपल सा। देखो अगर एकैकी होगा, सिंपल क्या करना है कि अगर कोई फलन एकैकी तुमको पता चल गया कि एकैकी है, उसे एकैकी सिद्ध करना है, उसका तरीका क्या, दो बिंदु मानोगे, उन दो बिंदुओं पे फलन का मान बराबर कर दो, सॉल्व कर दो, बिंदु आ जाएगा बराबर, मतलब फलन एकैकी है। अगर आच्छादक सिद्ध करना है तो लिखना, फलन को लिखना, जहां पे fx होगा वहां y लिख देना, y लिख के बस बनाना कि x बराबर क्या होगा, ठीक है, बना लिए, अब हमको पता ही आच्छादक है, तो बस लिख देना कि प्रत्येक y बिलोंग्स टू q के लिए प्रांत q में एक ऐसे अवयव x बराबर दिस का अस्तित्व है, जहां पर अगर हम fx को सॉल्व करेंगे तो वो y आएगा, अगर y आ गया मतलब ये फलन आच्छादक भी है, बस हो गया काम खत्म। ऐसे ये सिद्ध करने का तरीका है, और ऐसे सिद्ध करते हैं, तो सिद्ध करने में तो कभी भी सोचना ही मत, लेकिन अगर कभी चेक करना होता तब आप सोचते हैं कि हाँ ये एकैकी है कि नहीं और आच्छादक है कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए तुम लेक्चर को जाके देख सकते हो, चैप्टर फर्स्ट का जो लेक्चर होगा वन शॉट ना, वहां पे देख सकते हो, समझ सकते हो, और जो वन शॉट लिए वो भी देख सकते हो, और जो शॉर्ट क्वेश्चन लिए वो भी देख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, कई बार आया हुआ है, इसमें प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर बराबर दिस, ठीक है, तो ध्यान देना, सब लोग क्वेश्चन को ट्राई करना, और ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, इतना ईजी कहने की बात नहीं, समझे कि नहीं। क्या करते हैं, देखो बताया था अगर कभी भी अगर वन प्लस रूट में, अगर रूट में वन प्लस एक्स दिख जाए, वन प्लस एक्स, वन माइनस एक्स, या वन प्लस एक्स स्क्वायर या वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ध्यान देना हमेशा जो अंदर वाला टर्म होता है उसको हमेशा कॉस थीटा मान लेते हैं, मतलब कॉस टू थीटा, क्योंकि हमको कॉस टू थीटा का लिखना फॉर्मूला जिससे वन कट जाए। क्या करोगे, बस देखो जो लिखा है ना टेन इनवर्स, ये लिखोगे रूट में कितना हो जाएगा, ये जाएगा वन प्लस में कॉस टू थीटा। अब देखो बहुत लोग को ई नहीं आएगा, अब जिसको नहीं आएगा भैया उसका खोपड़ी फोड़ दिया जाएगा, क्योंकि अगर ई नहीं आएगा तो का आएगा, बताओ ई नहीं आएगा तो का आएगा, बस अल्फा, ठीक है। अब देखो यहां पे लिखो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला, और कॉस टू थीटा का वो वाला फॉर्मूला जिससे भैया वन कट जाए, ठीक है। अब कॉस टू थीटा का चार फॉर्मूला होता है, अब अगर चारों फॉर्मूला अगर नहीं याद होगा हीरो तो नहीं आएगा, तो तुमको चारों फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है, अगर चारों फॉर्मूला आएगा तभी काम बनेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, वन कटना चाहिए ना, तो लिखोगे टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये वाला लिखोगे फॉर्मूला, नीचे भी सेम टू सेम वही वाला लिखोगे, ठीक है, कि वन प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस रूट में, और इसमें क्या होगा, देखो यहाँ माइनस है ना, तो वन माइनस यहाँ पे लिखोगे साइन वाला, तो ये हो जाएगा वन माइनस में प्लस
ऐसे लिखोगे ना, देखो भैया ऐसे वन माइनस में टू साइन स्क्वायर थीटा, बस अब जो कॉस टू थीटा होता है उसका ऐसा लिखना है फॉर्मूला कि भैया जिससे वन कट जाए, जिससे वन कट जाए, ठीक है, वन कट जाना चाहिए, ये तुमको बस ध्यान देना है। अगर वन कट जाएगा तो काम बन जाएगा। अब देख लो वन कट जाएगा तो यहां से क्या मिलेगा, देखो यहां मिलेगा टेन इनवर्स, ध्यान देना। अब देखो यहां से सॉल्व करोगे तो यहां बनेगा कितना, रूट में क्या बचेगा, अगर वन से वन कटेगा तो कितना बचेगा, रूट में टू कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। माइनस यहां क्या बचेगा, रूट में टू साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, बचेगा कि नहीं, बस देखते रहो, ऑटोमेटिक तुम्हें सब आएगा, ऑटोमेटिक जानते हो ना, ऑटोमेटिक भाई, ऑटोमेटिक। बस ठीक है, अब बाहर करो देखो कितना आएगा, रूट टू सबसे कॉमन कर लो, देखो रूट टू कॉमन करोगे इसको ऐसे रहने दो यार, रूट टू कॉमन करोगे ये कॉस थीटा हो जाएगा, ओ भैया हट जाओ यार, ठीक है, ये बनेगा कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, ठीक है, और ये क्या बनेगा रूट टू, देखो जिसको आ रहा था भैया देखो वो सॉल्व कर लिया होगा, अब सॉल्व करके बस देखो कि हम सही किए कि नहीं, बस ठीक है, हम रुक के तुम्हें दिखाएंगे नहीं कि भाई देखो बस सॉल्व करो, तो कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा टेन इनवर्स। अब कौन बताएगा इसके आगे का कहानी, इसके आगे हम लोग क्या करते हैं बताओ, कौन जानता इसके आगे कहानी, इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, कोई बताएगा, इतना करने के बाद इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, याद है किसी को, अगर ऐसा बनता है, अगर बाहर बन गया tan इनवर्स, अगर अंदर cos sin कुछ होता है तो बस सोचो जो यहां पे जो पोर्शन होता है ना, यहां पे जो लिखा होता है, यहां पे जितना लिखा होता है उसी से अंश और हर में भाग करते हैं, जिससे यहां पर वन बन जाएगा और बाकी जो होगा जाने दो। अगर यहां पे केवल cos थीटा लिखा है तो सब में cos थीटा से भाग कर दो, सब में यहां पे भाग, यहां भाग, यहां भाग, यहां भाग, सब में भाग करो। अगर सब में तुम cos थीटा से भाग करोगे तो बनेगा tan इनवर्स बराबर 1 माइनस में कितना tan थीटा, और यहां पे क्या बनेगा 1 प्लस में tan थीटा, ठीक है, बराबर अल्फा। अब ये फॉर्मूला पता होना चाहिए भैया, ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, ये पता है ना, फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस में कितना tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला, ये x ये y। अब देखो इसका आंसर आ जाएगा पाई बाई फोर, और यहां से कट जाएगा, यहां बचेगा थीटा बराबर अल्फा, ठीक है। अब थीटा का मान रख दो भैया, अब थीटा का अगर तुम मान रखोगे, उम्मीद करेंगे थीटा का मान तो रखने आएगा ही आएगा, यहां जाएगा पाई बाई फोर माइनस में कितना 1 बाई टू कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर बराबर अल्फा, ये आएगा। अब देखेंगे किसको किसको थीटा का मान निकालने आता है, निकाल के देखे कितना आएगा, जहां पर तो माना था ना कि x स्क्वायर बराबर cos 2 थीटा, तो वहीं से थीटा का मान निकालोगे तो आएगा 1 बटा 2 cos इनवर्स x स्क्वायर, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सब में 2 से मल्टीप्लाई करोगे देखो यहां पर हो जाएगा पाई बाई 2, यहां पर हो जाएगा cos इनवर्स x का स्क्वायर बराबर यहां पर हो जाएगा 2 अल्फा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x का स्क्वायर बराबर 2 अल्फा। कैसे होगा भैया, ये पता है ना कि अगर साइन इनवर्स x होता है प्लस में अगर कॉस इनवर्स एक्स होता है तो बराबर होता है पाई बाई टू, पता है ना, इसी फॉर्मूले से करोगे, सोचो ना कि अगर साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस में कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर बराबर पाई बाई टू होगा, तो यहां से निकालोगे तो पता जाएगा ना कि पाई बाई टू माइनस में कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा साइन एक्स का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा साइन टू अल्फा, साइन इनवर्स है उधर जाएगा बन जाएगा साइन टू अल्फा, ऐसे देखो प्रूफ होगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे सभी लोग आराम से बस लाइन से देखा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को सभी लोग सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद अगर आएगा तो ठीक है, अगर नहीं आएगा तो बस देखना कि सर कैसे सॉल्व कर रहे हैं, बस तुम्हें यही देखना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करें फटाक से, चलो
तुम्हें सॉल्व करना है भैया। आप देखो हम सॉल्व कर रहे हैं, क्या करना है देखो इसमें लिखोगे क्वेश्चन को जो लिखा है कॉस इनवर्स एक्स प्लस में लिखा है ना कॉस इनवर्स वाई, तो इसको बस लेके चले जाओ उधर, हो जाएगा कॉस इनवर्स जेड, इतना करना। अब क्या करो इधर लगा दो फॉर्मूला, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, होता है एक्स इंटू वाई प्लस है तो हो जाएगा माइनस वन माइनस में एक्स का स्क्वायर इंटू में वन माइनस वाई का स्क्वायर बराबर कितना पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड, इतना हो जाएगा। उधर लेके चले जाओ देखो ये हो जाएगा एक्स इंटू वाई माइनस रूट में वन माइनस एक्स का स्क्वायर वन माइनस वाई का स्क्वायर बराबर कॉस 180 माइनस थीटा। अब ये कौन बताएगा इसका आंसर क्या आएगा, कॉस 180 माइनस थीटा, वो थीटा की तरह काम करेगा, सोचो ये पूरा थीटा होगा तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस में कॉस थीटा क्योंकि जाएगा दूसरे में, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा x इंटू वाई माइनस में रूट में वन माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू में वन माइनस में वाई का स्क्वायर बराबर यहां जाएगा कॉस कॉस इनवर्स जेड माइनस में कॉस थीटा, थीटा की जगह वो, तो ये देखो हो जाएगा x इंटू वाई माइनस रूट में वन माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू में रूट माइनस वाई का स्क्वायर बराबर में माइनस में जेड। अब क्या करोगे भैया, इसको इधर लेके आओ उसको इधर लेके जाओ, पता है ना कॉस वाले वैसे ही करते हैं, रूट वाला एक तरफ लेके जाओगे देखो हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड, ये ऐसे हो जाएगा ये उधर जाएगा, हो जाएगा रूट में वन माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू में। अब तुम्हें क्या करना है दोनों पक्षों का वर्ग करना है, क्या करोगे दोनों पक्षों का वर्ग, इतना करने के बाद क्या करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, अगर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कितना होगा देखो ये हो जाएगा x इंटू वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहां पे वर्क करोगे देखो ये रूट में है हो जाएगा वर्ग, अब स्क्वायर कर लो इस, देखो इधर स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा x का स्क्वायर y का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी बराबर, उधर करोगे तो बस क्या होगा कर्ली से बाहर आ जाएगा, ये भी कर्ली से बाहर और ये भी कर्ली से बाहर, मल्टीप्लाई कर लो उधर कितना हो जाएगा x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू एक्स वाई जेड बराबर देखो वन हो जाएगा माइनस में y का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर प्लस में कितना x का स्क्वायर और फिर y का स्क्वायर। अब कुछ कटेगा पिटेगा तो काटो देखो ये सेम टू सेम है प्लस में और ये भी सेम टू सेम प्लस में कट जाएगा, तो उसको उधर लेके चले आओ एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस में है ये है ये जाएगा टू एक्स वाई जेड प्लस में हो जाएगा बराबर एक हो जाएगा। अब बस यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा इति सिद्धम, कितना ही करना है इतना करना है इतना सिंपल करना है, उम्मीद करेंगे कुछ कुछ तो समझ में आया होगा, बस एक बार देखोगे खुद से करोगे तुम्हें आ जाए क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फटाक से, बताओ ये करना है ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बस मल्टीप्लाई करना है, बस तुम्हें निकालना है ए बी डैश, तो पहले ए बी निकालो, तो सभी लोग वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद सॉल्व करेगा और सॉल्व करके बताएगा कितना आंसर आया, ठीक है मतलब सही है कि नहीं मिला लेना ठीक है। चलो अब हम करते हैं देखो लिखेंगे ए बी ठीक है, लिखोगे दो चार माइनस एक जीरो दो लिख दोगे और ये बी हो जाएगा ठीक है तीन चार पाँच माइनस एक दो सात दो एक जीरो ठीक है। देखो तुम्हें देखो पूरा डिटेल के साथ करना है, हम शॉर्टकट में कर रहे हैं, तुम्हें पूरा डिटेल से मल्टीप्लाई करके दिखाना है, हम बस डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं ठीक है। तुम लोग को क्या करना होगा देखो ऐसे तुम्हें करना पड़ेगा कि जो इसका जो पहला पंक्ति है ना इसके पहले पंक्ति का देखो क्योंकि केवल इसमें केवल सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है ना, तो तुम्हें उस मल्टीप्लाई वाले प्रोसेस को पूरा हर एक स्टेप को बाकायदा ब्रेक करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ कि एक जो दो होगा इसका देखो इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो दिखाओगे ऐसे लिखोगे कि हाँ दो गुणे तीन हुआ दो गुणे तीन ठीक है फिर प्लस में चार गुणे माइनस एक ऐसे करके दिखाओगे फिर प्लस में माइनस एक गुणे दो ऐसे तुम्हें लिख के दिखाना पड़ेगा कि पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई, तो दो गुणे तीन हो जाएगा छः
ठीक है, फिर चार गुड़े माइनस एक हो जाएगा माइनस में एक, माइनस एक गुड़े दो हो जाएगा माइनस में दो ऐसे, फिर माइनस एक माइनस दो हो जाएगा माइनस तीन, तो छह माइनस तीन कितना आएगा यहाँ पे आएगा तीन। तो हम तो डायरेक्ट लिख दिए तीन, बट तुमको ये लाइन और ये लाइन दोनों लिखना है, पहले गुणा करके दिखाना है, उसके बाद ये सॉल्व करके दिखाना है, उसके बाद तीसरा स्टेप ये तुम्हें अपना आंसर लिखना है। ठीक है चलो, अब इसका देखो, इसका उठा के इससे करोगे, दूसरे वाले से इससे किया जाए, अब बताओ अगर इससे करेंगे तो कितना आएगा, देखो दो चौक का आठ ऊपर कर लेते हैं, कितना हो जाएगा दो चौक का आठ, दो चौक का आठ, चार दो ना आठ, ठीक है माइनस एक गुड़े माइनस एक हो जाएगा माइनस एक, तो आठ आठ सोलह, आठ आठ सोलह, सोलह से एक जाएगा कितना बचेगा पंद्रह, ठीक है पंद्रह हो जाएगा। ठीक है फिर आगे गुणा करो, दो पचे दस, चार सते अट्ठाईस, माइनस एक गुड़े जीरो प्लस में जीरो, अट्ठाईस दस कितना हो जाएगा अड़तीस। ठीक है बताओ सबका सही है क्या, सबका ये सही आया है, जो मेरा जो पहला पंक्ति बनेगा वो सही बना। ठीक है अब दूसरा पता करो, दूसरा अब देखो इसको पकड़ो, इसको ये है ना, ठीक है ये दो गुड़े तीन का है, तो बस अब इसको बनाओ, देखो इसका गुड़े से करो, ज्यादा बड़ा बन गया क्या, हमको लग रहा है ज्यादा बड़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसके गुड़े से करो, देखो माइनस एक गुड़े तीन, माइनस एक गुड़े तीन हो जाएगा माइनस तीन, जीरो गुड़े खत्म हो जाएगा जीरो, दो गुड़े दो आ जाएगा चार, तो प्लस चार माइनस तीन कितना हो जाएगा प्लस में एक, प्लस में एक आ जाएगा। ठीक है प्लस में एक आ जाएगा, फिर इसका गुणा करो, माइनस एक गुड़े चार माइनस चार हो जाएगा, जीरो गुड़े दो जीरो हो जाएगा, दो गुड़े एक प्लस में दो आ जाएगा, माइनस चार प्लस दो कितना हो जाएगा माइनस में दो आ जाएगा। ठीक है ना चलो चलो मतलब आगे करो, चलो मतलब आगे करो, चले मत जाना ना, माइनस एक गुड़े पांच हो जाएगा माइनस पांच, जीरो गुड़े सात हो जाएगा जीरो, दो गुड़े जीरो हो जाएगा जीरो, आंसर कितना आ जाएगा माइनस पांच, तो ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है ये केवल अभी ए बी का मान आया है, ये ए बी आ गया, अब तुम्हें ए बी डैश निकालना है, तो ए बी डैश कैसे निकालोगे, इसका परिवर्त कर दोगे, लिखोगे ए बी डैश बराबर क्या होता है, बस जो पंक्ति होता है ना भैया, पंक्ति को बना दो स्तंभ, लिखोगे तीन पंद्रह अठारह, तो जो पंक्ति है उसको बना दो स्तंभ। ठीक है तीन पंद्रह अड़तीस, तीन पंद्रह अड़तीस, एक माइनस दो माइनस पांच, ठीक है एक माइनस दो माइनस पांच, ठीक है यही हमारा आंसर, यही क्या होगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करेंगे सब लोग कर लेगा, बस मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई करने पर उसका डैश निकालना था, डैश मतलब उसका परिवर्त, परिवर्त कैसे करते हैं, जो पंक्ति होगा उसको स्तंभ बना दो, पंक्ति को स्तंभ बना दो, बस इतना ध्यान देना, पंक्ति को बना देंगे स्तंभ भैया हो जाएगा उसका परिवर्त। बताओ ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन इसको प्रूफ करना, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत ईजी है, इतना ईजी है कहने की बात नहीं। ठीक तो जिसको आ रहा है सोल्व करो फटाक से, हमको नहीं लगता इससे ईजी क्वेश्चन दुनिया में तुमको कहीं कहीं मिलेगा। ठीक है ये लिखा है b माइनस सी अपॉन में वन प्लस बी सी प्लस में कितना टेन इनवर्स c, ये लिखा है फॉर्मूला, बस इस फॉर्मूले को तुम्हें सोल्व करना है, और ये तो पता ही है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि ये टेन इनवर्स a माइनस में टेन इनवर्स b का फॉर्मूला हो जाएगा, ये टेन इनवर्स b माइनस में टेन इनवर्स c का फॉर्मूला हो जाएगा, और ये तो टेन इनवर्स c है। ठीक है अब देख लो कुछ कट पिट रहा है, तो कट जाएगा तुम्हारा, आ जाएगा आंसर टेन इनवर्स ए बराबर लिख दोगे आर एच एस, सिंपल है कि नहीं। देखो यार अरे बी वाले से बी वाला कटेगा, सी वाला कट जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, बस ये तुमको देख के पता होना चाहिए फॉर्मूला है ये टेन इनवर्स एक्स माइनस, जब टेन इनवर्स वाई होता है तो फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन में वन प्लस एक्स इंटू वाई, तो अगर लिखा है टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन में वन प्लस ए बी, तो बन जाएगा टेन इनवर्स ए माइनस में टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला, बस कट जाएगा आंसर आ जाएगा, इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, अब ये बताओ, अब देखो ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करने के लिए बार बार आता है और हमेशा आता है, बस यहाँ पे कभी सकता तुमको ये तीन क्रॉस तीन का देके यहाँ पे तीन लेके पूछे, तो देखो कॉन्सेप्ट को समझना है, क्या करना होता है हमको, देखो एलएचएस का निकालना है, हमको एलएचएस और आरएचएस दोनों सॉल्व करना पड़ता है। देखो आरएचएस क्या, जो एलएचएस ये क्या कहता है कि जो आव्यू ए होगा ना उसमें पहले टू से मल्टीप्लाई कर दो, जो आव्यू ए है उसमें टू से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद उसका सारणिक निकाल लो। ठीक है
ये क्या कहता है, पहले जो ऑब्व्यू ए है ना उसका पहले सारणिकी निकाल लो, फिर चार से गुणा कर दो, अब देखो दोनों बराबर आता है कि नहीं आता। तो क्या करोगे, सबसे पहले देखो हम लोग एलएचएस को सॉल्व करेंगे, तो एलएचएस में क्या लिखा है, टू इंटू ए, मतलब टू ए का सारणिक, तो पहले टू ए निकालो। तो अगर हम दोनों तरफ ए से टू से गुणा करते हैं, तो पता है ना कि ऑब्व्यू में अगर सर गुणा करते हैं तो ऑब्व्यू में गुणा करने का नियम क्या होता है कि भैया सारे एलिमेंट से गुणा होगा, तो अगर सारे एलिमेंट से गुणा होगा तो ये मिल जाएगा टू चार आठ चार, ये बनेगा टू ए। अब बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस एक काम करना है, लिखना, देखो लिखना ऐसे लिखना है आर एच एस, आर एच एस बराबर कितना है टू ए का सारणिक, और टू ए का सारणिक का मान कितना लिख दोगे, लिखोगे दो चार आठ चार, बस इसी का मान निकालोगे, लिखोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, दो चौका आठ, चार बटे बत्तीस, ठीक है, दो चौका आठ, अब बत्तीस में से आठ जाए कितना बचेगा, डालो माइनस में चौबीस, माइनस चौबीस, ये देखो पहले ये लिखे, देखो पहला स्टेप तुम्हारा ये होगा, पहला स्टेप तुम्हारा ये है, इसको सॉल्व करोगे, निकाल लोगे, उसके बाद निकालोगे, सॉरी आर एच एस कहाँ लिख दिया, एल एच एस होगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये एल एच एस है ना, पहले एल एच एस निकालेंगे ना, ठीक है, ये हम लोग पहले क्या निकाल लिए, एल एच एस, एल एच एस निकाल लिए। अब तुम्हें आर एच एस को भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो आर एच एस निकालोगे, लिखोगे ऐसे कि आर एच एस बराबर, सर जी लिखा है फोर इंटू ए, तो सारणिक का फोर ले लो, सारणिक कितना था, वन टू फोर टू, ऐसे लिख के फोर ब्रैकेट बना के, दो माइनस में आठ कितना होगा, चार गुणे माइनस में छः, आंसर कितना है, माइनस में चौबीस, आया ना, देखो एल एच एस आया था माइनस में चौबीस, ठीक है, और आर एच एस माइनस में आया चौबीस, तो यही करना है, बस देख लेना हमको करना क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, अगर लिखा है दो से गुणा करके सारणिक निकालना है तो पहले दो से गुणा कर देना, अगर लिखा होगा तीन से तो तीन से गुणा करना, जिससे लिखा होगा उससे पहले गुणा कर देना, उसके बाद अपना एल एच एस जो होगा उसको उठाना, एल एच एस को लिखना, ये सारणिक है तो सारणिक बना देना, जो ये ऑब्व्यू है ना इसको सारणिक बना के मान निकाल लेना, तो टू क्रॉस टू का सारणिक निकालने आएगा। अब देखो यहीं पे अगर तीन क्रॉस तीन का सारणिक होता ना तो उसका हम लोग प्रसार करके मान निकालते, उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना, ध्यान देना यहाँ पे टू क्रॉस टू का बना इसलिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके मान निकाले, अगर यही तीन क्रॉस तीन का होता तो प्रसार करना पड़ता, लेकिन लॉजिक वही है, तुमको एल एच एस लिखना है उसका मान निकालना है, फिर आर एच एस है उसको लिखना है उसका मारा उसका मान निकालना है, लास्ट में लोगे आता एल एच एस बराबर आर एच एस, बस इतना सिंपल सा है, कर लोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताओ ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्ध करने के लिए है, बोला है सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय टू, सिद्ध करना है साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय टू, तो इसका आंसर कितना जाएगा, ठीक है ना, देखो इसमें क्या करते हैं, सिंपल सा है, बहुत इजी है, बहुत इजी, देखो बोलते हैं माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर होता है साइन थीटा, ठीक है, बस इसी साइन थीटा को लिख देते हैं कॉस में, कैसे लिखेंगे, लिख देते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा, यही करते हैं, इसको इधर ले क्या हो गए, देखो तुम्हारा बन जाएगा कॉस इनवर्स, क्या बन जाएगा, बन जाएगा कॉस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय टू माइनस थीटा, बस अब वही थीटा का मान रख दो, देख लो थीटा का मान कितना है, तो वो थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर है साइन इनवर्स एक्स है ना, बस वही मान ला के वहां पर रखो, रखोगे तो कितना हो जाएगा, देखो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय टू माइनस में कितना साइन इनवर्स एक्स, उसी का उठाओ यहां चिपका दो, ठीक है, चिपका दोगे तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना पाई बाय टू, बस हो गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय टू, बस हो गया हमारा आंसर, आ गया, बताओ अब कोई दिक्कत परेशानी है, अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दो, तो आगे कुछ किया जाए सोचा जाए, नहीं ना बस इतना ही हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है बढ़िया, चलो आगे बताओ इसको प्रूफ करना है, बताओ कितना आंसर आएगा, कौन कौन करेगा, देखे तो लिख लोगे दिया है, ठीक है, देखो जिसको भी आ रहा है वीडियो को पॉज करके आराम से सॉल्व कर सकता है,
सॉल्व करने के बाद हमारे सॉल्व करने का तरीका देख सकता है कि सर कैसे सॉल्व कराएं, ऐसे हमको भी करना है। बस लिख दोगे दिया है, ठीक है, क्या लिखा है, लिख दोगे कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई बाई टू, ये दिया है समीकरण नंबर एक, ये दिया है। और यहां लिखोगे हम जानते हैं ठीक है कि क्या लिखोगे, जो भी देखा देखो कॉस इनवर्स एक्स को बचाना है ना, अगर कॉस इनवर्स एक्स को बचाना है तो यहां पे क्या लिख दो, लिख दो वाई वाला कि साइन इनवर्स वाई प्लस में कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई बाई टू। अच्छा तो ऐसा क्यों किया, देखो ऐसे इसलिए किए क्योंकि हमको प्रूफ करना था कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स वाई, तो जो क्वेश्चन दिया था ना इसमें हमें कॉस इनवर्स एक्स को काटना नहीं है, मतलब एक्स वाला टर्म में लिखना था, तो हमको पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू होगा, लेकिन अगर उसको लिखते तो कॉस से कॉस कट जाता, मतलब कॉस इनवर्स एक्स से कॉस इनवर्स एक्स कट जाता, हमको एक्स काटना नहीं, हमको तो उसको बचाना है क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स को लिखा है बचाना, तो ये बचा देते हैं, बस यही कर लो और इसी को सॉल्व करके घटा दो, घटाओगे देखो माइनस माइनस माइनस, देखो ये घट जाएगा, ये घट जाएगा, ये यहां पे आएगा तुम्हारा कितना कॉस इनवर्स एक्स माइनस में कितना साइन इनवर्स वाई बराबर जीरो, बस यही एकदम सिंपल सा है, बस लास्ट में लिख दोगे उसको उधर भेज दोगे, प्रूफ हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइनस वाई, इतनी सिंपल, इतना सिंपल था, इतना इजी था और ऐसे ही एकदम आराम से करना था, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई लोचा नहीं ना। चलो बताओ अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखिए इस क्वेश्चन को कितने लोग कर पाते हो, ये तो सिंपल सा प्रूफ करना है, देखो तुम्हें निकालना है कि दिखा है एफ एक्स बराबर दिया, इतना बोला है कि जहां पे एक्स है वो दो बटा तीन के बराबर नहीं, मतलब तुम एक्स का मान दो बटा तीन रखना नहीं, वैसे भी हमको कुछ रख नहीं रहे, जाने दो। बोला है सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि सभी x डज नॉट इक्वल टू 2 बाई 3 के लिए फॉफ x बराबर x होगा, मतलब दो फलनों का संयोजन, मतलब f का f के साथ अगर संयोजन कर दो तो आंसर x आएगा, ठीक है, इसका मतलब कि f का प्रतिलोम f खुद ही है, पता ना जब अगर हम गॉफ x करते हैं, ठीक है, गॉफ x पे अगर आंसर x आता है तो बोलते हैं जी उसका प्रतिलोम है, तो अगर यहाँ पे फॉफ x पे अगर उसका आंसर x आ रहा है मतलब f का प्रतिलोम f है, नहीं बट हमको इसको प्रूफ करना पड़ेगा, कैसे प्रूफ करेंगे ध्यान देना, देखो लिखेंगे लिखेंगे फॉफ एक्स, ठीक है, इसका मतलब होता है एफ एफ ऑफ एफ एक्स, सोचो ऐसे, ठीक है, देखो अगर एक्स होता है तो चार एक्स प्लस में तीन है ना, ऐसे लिखोगे फोर एफ ऑफ एक्स प्लस में तीन, नीचे क्या लिखोगे सिक्स सिक्स एफ ऑफ एक्स माइनस में चार। अब बस तुम्हें देखो हीरो सबका मान रखना है यहां पर, अब इस एफ एक्स का मान रखो, देखो यहां पर रखोगे चार इंटू में इसका मान कितना है, बस ये आना चाहिए चार एक्स, अरे यार चलो यार तुम तो क्या गुस्सा करते हो, बस सबका मान रखना है और इस मान को रख के सॉल्व करना है और दिखाना है कि आंसर में वही आ रहा है, अब इसी को सिंप्लीफाई करो और तुम्हें जो आंसर लाना है, आंसर लाना है x, ठीक है, तो ऊपर चार से मल्टीप्लाई कर देना, ये देखो इसका ऊपर चार से मल्टीप्लाई होगा, इसका ऊपर छह से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो जाएगा 16 प्लस 12 एक्स, मतलब कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हो जाएगा चार चौका 16 एक्स प्लस चार ती 12, 16 एक्स चार ती 12 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 6x माइनस में 3, 6x माइनस में 4 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3 के प्लस 3 यार, प्लस 3 है प्लस 3 है प्लस 3 है, 4x प्लस 12, 4x प्लस 12 और प्लस में 3 है, चलो भैया 4x प्लस 12 प्लस में प्लस 3 है, ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा 6 से गुणा करना पड़ेगा, 6 चौका 24 प्लस 6 त्रिक 18, ये जाएगा 24x प्लस में 18 बटे में कितना 6x माइनस में 4, यहाँ पे माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा,
अगर एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे देखो उसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, देखो हो जाएगा 6x प्लस 12 माइनस में 6 × 3 = 18 माइनस में 6 × 3 = 18 अरे 4 × 3 = 12 ठीक है, बटे में कितना रहेगा इसके जो बटे है इसके बटे में कितना रहेगा 6x - 4 और फिर कुल के बटे, कुल के बटे में लगा लो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24x + 18 माइनस 6 × 4 = 24 और यहाँ पे शायद ये होगा प्लस, होगा प्लस होगा माइनस ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में गुणा करोगे तो माइनस में 24 हो जाएगा और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 4 × 16 अरे यार उल्टा फुलटा क्या हो जा रहा है यार सॉरी ना 6 × 24 × x होगा ना 6 × 24 × x हो जाएगा, कहीं तो गलती हो रहा है, कहाँ गलती हो रहा है पता नहीं चलेगा, अब पता नहीं चलेगा जैसे बात हमको बिल्कुल पता चलेगा, प्लस हो जाएगा 4 × 16 4 × 16 हो जाएगा सही किए कि नहीं यार कहाँ मिस्टेक हो गया भैया देख लो एक बार, 4 fx हो जाएगा 4 fx + 3 6 fx - 4 हो जाएगा, fx का मान रखेंगे 4 fx + 3 नीचे हो जाएगा 6x - 4 4 fx + 3 नीचे हो जाएगा 6x - 4 हो जाएगा ठीक है, प्लस 3 - 4 हो जाएगा, गुणा करोगे 6 × 18 माइनस में 12 6 × 18 4 × 16 4 × 16 4 × 3 = 12 ठीक है 6 × 18 हो जाएगा माइनस में 4 × 3 = 12 ठीक तो है ये तो ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा नीचे देख लो 6 × 24 6 × 18 तो सही तो है 6 × 24 6 × 18 माइनस में हो जाएगा और माइनस होगा तो गुणा करोगे तो 6 × 24 माइनस हो जाएगा प्लस में 4 × 16 सही तो है 6 × 16 ठीक तो है क्या दिक्कत है ठीक है सही है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, अब इसी को सॉल्व करो कुछ कटेगा पिटेगा तो काटो ठीक है, ये हो जाएगा 6x - 4 अब इसको काट दो देखो 6x - 4 है ये कटेगा ये कटेगा, अब ऊपर देखो ये प्लस 12 है माइनस 12 है कट जाएगा, 18 और 6 कितना हो जाएगा 18 और 6 तुम्हारा हो जाएगा 24 18 और 6 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 24x तो ऊपर कितना आएगा ऊपर आएगा 24x नीचे कितना हो जाएगा नीचे हो जाएगा ये 24 से 24 कट जाएगा 24 से 24 कट जाएगा 16 और 18 है ना 16 18 अच्छा हाँ यहाँ पे 16 है ना यार हम क्या लिख दिए 16 है ना तो यहाँ पर भी कितना आएगा यहाँ पे 16 18 कितना हो जाएगा 32 16 को 16 18 है ना 34 आएगा ना ये जाएगा 34x नीचे आएगा 34 कट जाएगा बराबर x आ जाएगा ठीक है, तो ये प्रूफ हो जाएगा फॉफ x बराबर x इति सिद्ध यही करना था बस आराम से देखो मान रखोगे मान रख के सॉल्व करोगे अपने आप आ जाएगा ठीक है, एक बार फिर से देख लो ठीक है, बस यही था यहाँ पे बस मिस्टेक मत करना थोड़ा सा कि हाँ ये f ऑफ fx है ठीक है, अगर x था तो 4x + 3 6x - 4 तो 4 fx + 3 बस fx मान रखो सिंप्लीफाई करो सॉल्व करना है और सॉल्व करके लास्ट में दिखाना है कि आंसर x आएगा आंसर आ गया x बस इसके आगे और कुछ नहीं, चलो ये बताओ इसका आंसर कितना आएगा फटाक से बताओ तेजी के साथ कर लो जल्दी से ठीक है, देखो क्या करेंगे पता है ना देखो इसका LHS ले लो देखो सिंपल देखो क्या करते हैं इसका LHS लेते हैं LHS हो जाएगा 2 tan inverse रूट में b by a ठीक है, लगा दो फॉर्मूला ठीक है क्या होता है cos inverse 1 - x² या क्या होता है 1 - में x का स्क्वायर अपॉन में 1 + x² जो tan होता है अगर उसका फॉर्मूला cos में लिखेंगे तो होता है cos inverse 1 - x² अपॉन में 1 + x² सॉल्व करोगे तो यहां से कितना मिल जाएगा मिलेगा cos inverse 1 - b/a अपॉन में 1 + b/a एलसीएम ले लो हो जाएगा cos inverse cross मल्टीप्लाई क्या होगा a - b बटा में a आएगा नीचे कितना होगा a + b बटा में a आएगा ठीक है,
अब नीचे क्या होगा, देखो तुम्हारा ए से ए कट जाएगा और यहां से क्या आ जाएगा तुमको कॉस इनवर्स ए माइनस बी अपॉन में ए प्लस बी आएगा बराबर आर एच एस, इतना आएगा। ऐसे करेंगे ठीक है। चलो ये बताओ ये कैसे करोगे, ये कैसे करोगे बताओ। ध्यान देना इसके साथ नकलची मारते हैं पता है कि नहीं। इसमें देखो लिखते हैं एल एच एस बराबर लिखते हैं साइन इनवर्स 3/5 लिखते हैं, और बताया था ना कि अगर साइन इनवर्स 3/4 है तो इसको जब लिखोगे टेन में तो टेन में क्या लिखेंगे, ध्यान देना सुनो, अगर टेन इनवर्स 3/4 है तो ऐसे बनाओगे ना, ऐसे ये सर हो जाएगा लंब हो जाएगा कड़, तो आधार कितना होगा, आधार को लिखेंगे कड़ का स्क्वायर और इसमें लंब का स्क्वायर ठीक है। तो टेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब लंब हो जाएगा और आधार हो जाएगा रूट में 5 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर। बट ये है कि ये तो हम अपने से कर लिए ना, नकल मार लिए, बट इसको दिखाएंगे कैसे, इसको कैसे दिखाएंगे कि पता ना चले। देखो ऐसे अब इसको मिटा देंगे ठीक है, मिटाने के बाद क्या करेंगे ध्यान देना सुनना, लिखोगे कि अगर हमको चूंकि सर साइन इनवर्स दिया था तो साइन इनवर्स अगर ए बटा बी होता है तो अगर इसको अगर हम टेन में चेंज करते हैं तो ये आता है ए बटा में रूट में बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर ठीक है। उसको लगे मतलब टीचर को लगना चाहिए कि हाँ तुम फॉर्मूले से किए, बट ये है कि फॉर्मूले से तो किए नहीं है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया पता है ना, अरे भैया यहीं से। एक सोचो ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे, हमको अगर साइन का मान दिया है, लिखा है साइन इनवर्स ए बटा बी, तो साइन हो गया ए बटा बी मतलब लंब बटे कर्ण, तो ये कितना जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये से निकलची मारोगे ठीक। लेकिन पहले नंबर के टर्म में, पहले नंबर के टर्म में लिख के सॉल्व कर लोगे, ऐसे कर लोगे, उसके बाद इसका फॉर्मूला अपने से बना दोगे ए और बी के टर्म में, बस इसे सॉल्व कर लोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा कि टेन इनवर्स 3/4 बराबर कितना आर एच एस। सिंपल है कि नहीं, बहुत सिंपल है। चलो ये बताओ ये कर लोगे, ये एक्स प्लस वाई बराबर इतना दिया है और 2x माइनस वाई इतना दिया है, तो पूछा है x का मान क्या होगा, ये तो बहुत सिंपल है ना। देखो लिखोगे यार 2x माइनस वाई बराबर, देखना कितना सिंपल है। देखो लिखोगे 2 10 10 2 लिखोगे, देखो इसको बनाते हैं समीकरण नंबर एक, ऐसे करते हैं, उसके बाद तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 4 2 और 2 4 समीकरण नंबर दो। अब कौन कौन बताएगा कि इसको हम कैसे सॉल्व करें, इसको जोड़े कि घटाएं कि हमें x का मान मिल जाए, हमें x के मान से मतलब है, तो हम क्या करेंगे इन दो समीकरण को जोड़ेंगे घटाएंगे। देखो जैसे हम लोग कक्षा 10 में पढ़े थे ना विलोपन विधि, किसी एक को विलोप कर दो मतलब हटा दो तो जो दूसरा चर होगा उसका मान आ जाएगा। देखो ऊपर लिखा है माइनस वाई मतलब एक वाई है, नीचे प्लस वाई है, एक को प्लस वाई है, तो माइनस वाई प्लस वाई है ना, तो एक काम करते हैं भैया समीकरण एक और दो को जोड़ दो, क्योंकि अगर तुम जोड़ोगे ना, देखो ये जोड़ोगे प्लस ये प्लस ये प्लस, तो ये कट जाएगा आराम से कट गया। अब अगर वाई कट गया इधर बचेगा 3x, इधर दोनों अभ्यू को जोड़ देना, फिर 3 उधर भेज के सारे एलिमेंट में 3 से भाग कर देना, आ जाएगा x का मान। चलो ये होता, ये प्रूफ करना है, बोला सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है, उम्मीद करेंगे ये सबको रटा भी होगा ठीक है। बताएं कि अगर किसी सारणिक में अगर हमको 1 1 1 दिख जाए ठीक है, अगर 1 1 1 दिख जाए तो क्या करोगे भैया, सिंपल सा दांत दिखाओगे कि भैया 1 1 दिख गया, 0 बना देंगे अब, तो और क्या, अब कुछ बचा ही नहीं ठीक है। अगर 1 दिख गया तब क्या परेशान होना है, अगर 1 नहीं दिखता तब ना कुछ परेशान होते कि सर 1 कैसे बनाएंगे, क्योंकि जब 1 बनाते हैं उसके बाद फिर 0 बनाते हैं फिर प्रसार करते हैं, यहां पर तो 1 तो पहले से बना है। अब कर लो बताओ क्या करोगे, घटाएंगे, घटा के 0 बनाओ, क्या लिखेंगे, कर लोगे, और उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार तुम लोग किए होगे ठीक है। और बोले तो इतनी बार कर लो कि याद हो जाए, रट जाना चाहिए क्वेश्चन तो ना। घटाओ तो घटाओगे तो कितना आएगा, ये जब घटाओगे देखो तो यहां पर हो जाएगा 0 0 1, यहां पे कितना आएगा a माइनस बी, और यहां पे कितना आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, यहां पे आएगा b माइनस सी, यहां पे आएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आएगा, और यहां पे क्या आएगा, यहां पे कुछ नहीं आएगा, यहां पे c, यहां पे c स्क्वायर। अब बताओ इसके बाद क्या करेंगे,
बताओ इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जब हम घटा के जीरो कर लेते हैं तो क्या करते हैं पता है ना, R1 से A माइनस बी लेते हैं, जो R1 दिख रहा है, R1 से A माइनस बी, ठीक है, और R2 से B माइनस सी, उभयनिष्ठ क्या करने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, ले लोगे उभयनिष्ठ, एंड इसके बाद क्या करते हैं, फिर C1 का प्रसार कर देते हैं, C1 के अनुदिश, C1 का, या C1 लिख दो या C1 का लिख दो, C1 का प्रसार करने पर बस हो गया, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा, लिख देना बराबर RHS। जीरो बनाने के बाद अगर कुछ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन कर लो, अगर नहीं मिलता तो प्रसार कर देते हैं, हमको तो कॉमन मिल रहा है कि हाँ इसमें से ए माइनस बी, क्योंकि जीरो में से हम कुछ भी कॉमन कर सकते हैं, ये तो याद हो गया होगा, सारणी में अगर जीरो देखा तो जीरो में से हम कुछ भी कॉमन कर सकते हैं, तो ए माइनस बी इसमें से, ए माइनस बी इसमें से, और जो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इसमें से भी ए माइनस बी कॉमन हो जाएगा, क्यों हो जाएगा कॉमन, क्योंकि हम जानते हैं जो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, मतलब स्क्वायर का होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो मिल जाएगा ना, कर लेना आ जाएगा बढ़िया से। ये बताओ ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में आया, कई बार आया, बहुत बार आया है, और हमको नहीं लगता है इससे सवाल इजी सवाल कोई होगा, लघु उत्तर सवाल में एक नंबर या दो नंबर में सवाल कई बार आया है, और उम्मीद करेंगे इस क्वेश्चन को सब लोग प्रूफ कर लेगा, क्योंकि इसमें देखो वन 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 दिख रहा है, अगर वन 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 दिख गया तो बस क्या करो, इसको जीरो बनाओ, दो जीरो बनाओ, आर वन माइनस आर टू, आर टू माइनस आर थ्री, ठीक है, जीरो बनाओगे, जीरो बनाने के बाद बस सी वन का प्रसार कर देना, सी वन का प्रसार करोगे ऑटोमेटिक आंसर एक्स हो जाएगा, जिसका इसका आंसर नहीं आएगा वो जाएगा चैप्टर नंबर फोर का लघु उत्तरी जो क्वेश्चन है उसमें, इसको हम पूरा सॉल्व करवाए हैं, सॉल्व करवा के स्टेटमेंट के साथ लिख के करवाए, जाके लेक्चर देख सकते हो, पता चल जाएगा, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आराम से कर लोगे, क्योंकि एक इसमें पहले से बना है, जीरो बना दो और उसका प्रसार कर दो, एक्स इंटू वाई आएगा, नहीं आएगा तो समझना कहीं ना कहीं मेरा मिस्टेक हो रहा है या साइन में कैसे भी, ठीक है, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है कि नहीं, चलो तो उम्मीद करेंगे सबको समझ में आया होगा और सबको क्लास अच्छा लगा होगा ना, अगर देखो किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और जैसा जैसा भी तुम्हें लगे उसको जरूर बताना, ठीक है, और देखो जो भी स्टूडेंट नए हैं, ठीक है, जो अभी से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, देखो ये शिखर बैच 2.0 है, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, अभी देखो न्यू बैच है, ठीक है, अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है, क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो क्लास छूट जाएगी तो फिर उसको कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, तो ये देखो उन्हीं लोगों के लिए जो पीछे कुछ नहीं पढ़े हैं, अब से अगर पढ़ना स्टार्ट करना चाहते हैं तो अब से पढ़ सकते हो, देखो चैप्टर फर्स्ट से पढ़ा जाएगा, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट से डेली लाइव क्लास लिया जाएगा, ठीक है, और अच्छे से डिटेल के साथ पढ़ा जाएगा, क्लास नोट का PDF दिया जाएगा, ठीक है, डाउट क्लास होगा, ठीक है, टेस्ट होगा, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा, बस ये है कि तुम्हें हमारे साथ लग के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, हम तो मेहनत करेंगे ही करेंगे, हमारे साथ तुम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा और घर पे पढ़ना पड़ेगा, और ये जान लेना कि इस बैच को जो तुम ज्वाइन करोगे तो तुम्हें 14 से 15 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, अगर इसके लिए रेडी हो तो ही बैच को ज्वाइन करना और आगे अपना तैयारी आगे एकदम बेहतरीन करना, ठीक है, क्योंकि अगर जब तुम बैच में आओगे तो तुमको नहीं चाहकर भी तुमको पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, अगर तुम चाहते हो ऐसा हो जाए तो आ जाओ, देख लेना होता है कि नहीं होता है, क्लियर है, तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करेंगे सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, जो लोग नहीं किया है क्लास खत्म होने के बाद सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना, देखना कि हम कितने क्वेश्चन को अब बिना देखे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, क्लियर है, तो चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के सबको बाय बाय टाटा, ठीक है।